तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी फायर बोल्ट की एक स्मार्ट वॉच जिसको मैंने यूज़ किया है, उसके लिए मैंने मंगाया है टेम्पर्ड ग्लास। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो टेम्पर्ड ग्लास का लिंक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंदर मेरे को दो टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं, इसके अलावा इसके अंदर वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स भी मिलते हैं। इसके लिए एक साल तक लास्ट कर जाता है। मैं अपने MI ब्रांड के ऊपर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को पता है इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले वेट वाइप से आपको इसको साफ कर लेना है, उसके बाद ड्राई वाइप से कर लेना है। बेसिकली कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, नहीं तो टेम्पर्ड ग्लास के वो बहुत ही अजीब लग जाता है। एक लेना है आपको जो उसका बैक वाला स्टिकर है ना, बेसिकली उसको आपको हटा देना है। इसके जो तो वाइट वाली नीचे है ना ये निकल जाएगी, और ये जो येलो वाला पोर्शन है ना इसको आपको इस तरह से लगा लेना अपनी वॉच के ऊपर। ये हर वॉच के ऊपर एप्लीकेबल है। तो उसके बाद फिर आपको ना धीरे से बड़े प्यार से येलो वाला पोर्शन निकालना है ताकि जो स्मार्ट वॉच है ना वो उसके ऊपर चिपक जाए, और बस आपका काम हो जाएगा। एयर बबल्स को आपको बस हटा लेना है, नहीं हो तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना है। और वीडियोज़ के लिए टेक्वी को सब्सक्राइब कर लेना है।